मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश भर में हुक्का लाउंज पर छापा मार कार्रवाई की गई। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है। मध्य प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि हुक्का लाउंज पूरी तरह बंद होनी चाहिए, जिसको लेकर हुक्का लाउंज में छापामार कार्रवाई की जा रही है। सीएम शिवराज ने कहा था कि स्कूल और कॉलेज के आसपास छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलती है। नशा हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है, इससे हमें युवा पीढ़ी को बचाना है, यह अभिशाप पूरी तरह से समाप्त करना है। उन्होंने कहा, इसकी मैं लगातार समीक्षा करूंगा, ये अक्षम्य है। पहले चरण में अभियान चलाएं, एक से ज्यादा राज्यों से भी तार जुड़े हो सकते हैं। हुक्का लाउंज कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हुक्का लाउंज के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो, ये हम होने नहीं देंगे। सभी हुक्का लाउंज तत्काल बंद हो। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती। स्कूल कॉलेज उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है, वहां ड्रग्स की शिकायतें मिलती है। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है ये, और इस अभिशाप से हमारे बच्चों को हमको बचाना है, और इसलिए चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अवैध शराब का हो, इनकी जड़ों पर प्रहार करना है। इसके बाद प्रदेश भर में पुलिस एक्टिव हुई और हुक्का लाउंज पर कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहले भी कई बार नशे के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की मिलीभगत से अब तक हुक्का लाउंज और नशे के अन्य सौदागर अपना धंधा चलाते रहे हैं। लेकिन इस बार शिवराज के कड़े तेवरों के बाद पुलिस ने हुक्का लाउंज पर छापेमारी शुरू कर दी है। भोपाल और इंदौर में दर्जनों हुक्का लाउंज पर एक्शन लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।